अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रे का सफ़र माशाल्लाह बेहतर रहा, और उम्रे के अंदर जो अल्लाह के घर को देखने का जो मौका मिला, ऐसा हाल के इंसान में उसके देखने के बाद कोई चीज़ देखना इंसान का तसव्वुर में भी नहीं आता कि अल्लाह घर को देख लिया, हर चीज़ देखना हो गई। और वहाँ पर हाजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर हमारा साथ दिया, हमारी खिदमत हर चीज़ के अंदर, हमें कई तरह का इबादत करना उस तरफ भी लेकर गए, हर चीज़ मौके पर हर हाल में हमारा रहे। और हमें बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बार बार इस तरह हमको उम्रा करने की और तमाम आलमीन के लोगों को उम्रा करने की तौफीक, हज करने की तौफीक अता फरमाए। और हर इंसान को इसी तरह जिस तरह अंदाज से बताया जाता है उम्रा करना, उस अंदाज से उम्रा करने की अल्लाह ताला हर इंसान को तौफीक अता फरमाए। कितने दिन का सफ़र था सर आपका? हमारा 20 दिन का सफ़र था। अच्छा ये बोलिए, इनकी तरफ से जो वादे हुए थे वो पूरे हुए क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जो वादे उन्होंने किए थे पूरे हुए। ठहरने के इंतजाम, खाने पीने के इंतजाम, वहाँ के ज़ियारत के इंतजाम सब अच्छे से हुए आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। अब जो नए जाने वाले लोग उनकी अपील करेंगे इनके बारे में? हम ये कहेंगे कि भरोसा दे सकते हैं इनके साथ जाना चाहिए? हाँ भरोसा दे सकते हैं कि इनके साथ जाना चाहिए। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह साथ देते, अपने वक्त निकाल कर हर साथी को वहाँ तक पहुँचाने की फिक्र कर ली। हमारा सफ़र जो है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा मकाम मदीने का, और हाजी साहब जो है तो हर दिन हमारे साथ थे, जो भी जो है तो ज़ियारत में बोलो उम्रे में बोलो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साथ दिए, खाना वगैरह का कोई तकलीफ नहीं थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा उम्र। इनके तरफ से जो वादा किया गया था अल्हम्दुलिल्लाह सब आ सकते, बिंदा जा सकते सब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी अब्दुल रशीद साहब का कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स माशाल्लाह बहुत बड़ा लेवल का है, 5 स्टार होटल से भी बढ़ के उनकी होटलें वगैरह थी, बहुत अच्छा टूर से अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडली वगैरह सब साथ में थे अच्छे से? सब एकदम साथ में। हाजी रशीद साहब भी 24 घंटे साथ में रहते थे, वो भी एक टूरिस्ट पे हमारी तरह एक वो बनकर गए थे। वो एक डॉक्टर की टीम के साथ थी, डॉक्टर के लोग थे, सब हर चीज़ अवेलेबल उनके पास, हर चीज़ माशाल्लाह। अच्छा वहाँ पर होटल कितने खरीदती है मक्का मदीना से? मक्का मदीना से एकदम बस अपन जिस तरह घर से मस्जिद के लिए निकलते हैं उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह होटल से मस्जिद के लिए निकलना पड़ता था। अब तो जाने वाले हजरात हैं, उनको क्या अपील करेंगे इनके बारे में? माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव बंदा है, वो खुद भी बहुत कोऑपरेटिव है अब्दुल रशीद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह से एकदम बेझिझक बिल्कुल जा सकते हैं कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, जो था बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, खाने के लिए भी ऐसा था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि और हमारे जैसे घर पे खाते ना खाना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था, क्योंकि जो पकाने वाला था अल्हम्दुलिल्लाह तो वही पड़ेगा था, तो ऐसा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह घर पे खाना खा रहे कि मक्के में खाना खा रहे घर जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में अच्छा था। और अल्हम्दुलिल्लाह होटल तो ऐसी थी नज़दीक है, जैसी अजान होती थी मक्के की तो अजान खत्म होने पहले अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा देते मक्के के अंदर। अल्लाह का शुक्र हमारे हनी साहब तो इतने अच्छे थे माशाल्लाह, क्या हर चीज़ में आपको हेल्प किया उन्होंने, जैसे आपको खजूर चाहिए था तो अल्हम्दुलिल्लाह खजूर लाने से पहले बोलते थे कि आप खजूर लेना, चलो मैं आपको बता दो मार्केट कहाँ पर उसका कपड़े लेना है कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ सपोर्ट किया उन्होंने। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह का औरंगाबाद से जाना है एक ही नाम औरंगाबाद से बोलना चाहिए कोहिनूर टूर बस अल्हम्दुलिल्लाह उसके आगे सर का नाम कोई नहीं वैसा कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं तो बोलूँगा औरंगाबाद से जाना है अगर उम्र के लिए बोलना कोहिनूर टूर जाना है बस भाई, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो वो बोल रहा हूँ क्या अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब तो हर चीज़ के अंदर काफी थे ऐसा कि हमें कोई धारा जो मदीने मक्की की हर कराए हमारा चीज़ तरफ से हम सिल्लौर से। कैसा रहा सफर आपका? बहुत अच्छा सफर रहा, और असल में ये बात है ना खाली औरंगाबाद सिटी के अंदर नहीं, औरंगाबाद जिले के अंदर इनका नाम मशहूर हुआ है जी, मतलब आपके अरकान वगैरह सब अच्छे से आता होगा, अच्छे से आता होगा वहाँ के आपके होटले वगैरह सब खरीद खरीद जैसा वादे होते हैं वैसा पूरा करेंगे उन्होंने, वैसा बिल्कुल पूरा कर, मतलब पूरे सच्चे और पक्के होते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से करें आप ये बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी। अब जो नए लोग जाने वाले उनकी क्या अपील करेंगे बारे में? उनके लिए तो हम सबसे पहले ये बोलेंगे हम उनका प्रचार और प्रसार भी करेंगे जी, भाई सब अगर जाना भी है उम्रे को तो अल्हम्दुलिल्लाह रशीद भाई के साथ जी, वैसा मेरे को भी 4 लोगों ने बोले थे गोरगांव से लेके हमारे सिलौर तालुके के जितने लोग थे ना भाई जाएंगे तुम तो उनके साथ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी इससे से गए, हमारे पूरे फैमिली के करीब करीब 15-16 लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं ट्रैवल से गए अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अभी करीब। आप कहाँ से? मैं औरंगाबाद से नगर रशीदपुर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेसिकली राजीव साहब को पहले से भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सब घर में का रिकमेंडेशन हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह कोहिनूर से ही जाना है, मगर अरकान के लिए ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इबादत है जो पहली नज़र है वो इतनी बेहतरीन तरीके से लेकर गए, सबका हाथ पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली नज़र के बाद एक तरफ खड़ा होके पहली नज़र के बाद जो दुआएं मांगी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छी तरह से समझाया गया था, ट्रेनिंग भी अलग से लिया गया था अल्लाह का शुक्र है। तो मेन चीज़ तो इबादत है, इबादत में भी हर एक कदम कदम पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ज़ियारतें कराई
15 से ज़्यादा ज़ियारतें कराए की अल्हम्दुलिल्लाह बस में लेके जाके अल्लाह का शुक्र है मक्का मदीने में दोनों में जी जी बेशक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करवाए हैं अहमियत बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत बताए हैं उसके अलावा जो उसका जो अमाल करना है वो भी बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में भी हमने बताया करीब करीब 16 से ज़्यादा मकान पे गए हैं जहाँ पर भी मस्जिद मुकाम थी वहाँ पर दो दो रकात नमाज पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा ऐसा ही नहीं कि भाई एक को और दो को ही मस्तूरा को भी पूरे पर्दे के अहतमाम के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह और मर्दों को भी पूरे अहतमाम के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पूरे तरफ से जो वादा किया गया था पूरे बेशक बेशक कोई वादा कमी ना ज्यादा ही आप कहाँ से कैसा जबरदस्त है इंशाल्लाह पूरे जो हमारे अरकान ये वो सब मैं तो खुशूजन आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हज या उम्र को अगर किसे जाना चाह तो कोहिनूर से ही जाना बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेस्ट माशाल्लाह इसकी तरफ से जब वादा एक किया तो पूरा होगा उससे ज़्यादा जितना बोले थे उससे ज़्यादा काम करे उन्होंने जिम्मेदारी से करे आप जो नए लोग जाने वाले इनके बारे में क्या अपील करेंगे आप नए लोगों ने जो है तो मेरे हिसाब से कोहिनूर ग्रुप से ही जाना क्योंकि कोहिनूर ग्रुप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और सर्विस के मामले में और हम जो है तो वहाँ खाना खा रहे थे तो ऐसा लग रहा था मतलब क्या हमारे घर पे ही खाना खा रहे अब कुछ लोग बोलते हैं महंगा है सस्ता उसके बारे में क्या कहेंगे एकदम ज़बरदस्त है बेस्ट है मेरे हिसाब से तो सब लोग उससे ही जाना मतलब कोहिनूर ग्रुप से आप कहाँ से कैसा रहा सफर आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा कितने दिन का सफर था आपका ये 20 दिन का था कितने साथी गए थे आप 39 अच्छा ये बोलिए हर टूर वाला कहने के अपने से वादे मौदे करता है ये आम सी बात है मैं बस खुल के कह रहा हूँ इनकी तरफ से जो एक एक वादा किया गया था पूरा हुआ अरकान वगैरह अच्छी ज्यादा होटल कितनी दूर थी वहाँ से थी थोड़े से थी अच्छी थी ज़्यादा भी मतलब पैदल जा सकते हैं आसानी से अच्छा अरका मतलब मौलवी साथ में थे ज़्यारतों के लिए हाँ उस टाइम हाजी साहब थे हमारे साथ वहाँ के लॉन्ड्री का इंतजाम खाने का पीने का दवाओं का सब बेहतर था सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो नए उनको पैगाम देंगे आप जाइए बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह सारे अरकान में पूरे हो रहे हैं सारी चीज़ अच्छी बोले आप मैं शंभू नगर से हूँ औरंगाबाद से सर कैसा रहा सफर कोहिनूर से माशाल्लाह बहुत अच्छा सफर था सबसे मेन बात ये है सारे टूर वाले लेके जाते हैं पर उनका गाइड रहता है साथ में यहाँ पे हाजी साहब या जुनेद कोई ना कोई इनके साथ में रहता है टूर जी और खुद प्रश्न की खुद ज्यारत कराते हैं लोग होटल कितनी दूर थी वहाँ होटल 250-300 मीटर की दूरी पे सारी दूरी में सर ये बताइए वहाँ खाने पीने के इंतजाम कैसे थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम था ऐसा था कि जैसा औरंगाबाद में रहता है मतलब इनके तरफ से जो वादे हुए थे एक एक वादा पूरा हुआ कुछ कम पड़ा कहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही था कोई कमी नहीं रही अब औरंगाबाद के जिले से कोई नए जाने वाले उमरा के लिए तो इनके बारे में क्या राय देंगे क्या मशवरा देंगे आप मैं तो ये कहूँगा कि जो भी देंगे तो भाई कोई नहीं जाना एक फ्रेंडली रहते आई साहब तो साथ में रहते रशीद आई साहब उनका बच्चा रहता जुनेद हमारे साथ तो रशीद आई साहब खुद थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज्यादा दिनों में पर्सनली खुद हमारे साथ में आके कराए सारा मैनेजमेंट ऐसा कोई कहीं बोलने का मौका मिला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप मिर्जा इरशाद बेग है मैं मंजूरपुरा लोटका रंजे से हूँ चॉइस कलेक्शन का दुकान में मालिक हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है तो ये चॉइस कलेक्शन है लेकिन ये कोहिनूर का आपने चॉइस कैसे किया कोहिनूर हमारा बहुत पुराना टूर है हमारे बहुत यार दोस्त जाते हैं हमारे रिश्तेदार भी है और काफ़ी अच्छी सर्विस है इनकी रशीद भाई की और अल्हम्दुलिल्लाह जो बोलते हैं वो उससे और उससे तो दो काम ज़्यादा ही करते मतलब जो वादा किए गए थे पूरे पूरे उससे भी ज़्यादा किए उन्होंने जो वादे नहीं भी किए थे वो भी किया उन्होंने हमारे लिए अब जो नए जाने वाले लोग हैं उनको क्या राय देंगे इनके बारे में अल्लाह हम तो हर एक को ये बोलेंगे कि किसी को जाना है तो सिर्फ कोहिनूर टूर से ही जाना मतलब जैसा इसका नाम है वैसा काम भी है क्या अल्हम्दुलिल्लाह उससे और आपको बता रहा हूँ दो काम उन्होंने ज़्यादा किए जो उन्होंने बोले नहीं थे वो भी एक्स्ट्रा काम किए उन्होंने क्या सर कह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसा में फर्स्ट क्लास एक पैसे की तकलीफ आप कहाँ से सैयद अकील नाम है मेरा टक्करगेट कैसा रहा सफर आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर रहा कितने दिन का सफर था आपके ये 20 दिन का था तो पूरे अरकान अच्छे से आदा हुए पूरे एक नंबर है माशाल्लाह पूरे गाइडिंग किए रशीद मिले अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चला था कि हमारे साथ हमारे को बड़े बुजुर्ग हमारे भाई वगैरह ऐसा गाइडिंग किया माशाल्लाह तो हजारों लाखों की भीड़ होती है कैसा लगता है उनके साथ मतलब कुछ ऐसा छड़ने का कोई डर ऐसा महसूस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान रहा कोई पिछड़े नहीं पूरा पूरी उन्होंने गाइडिंग भी की हमारे को ज़्यारतों के लिए अच्छा इनकी तरफ से खाना लॉन्ड्री डॉक्टर
सब इंतजाम थे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात की तकलीफ थी कोई एक पैसे की तकलीफ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिया उन्होंने क्या बिल्कुल ऐसा कोई बात की तकलीफ नहीं हम क्या बाहर अब औरंगाबाद से जो नए जाने वाले लोग उनको कोई आपकी तरफ से राय देंगे मशवरा इनके बारे में बोलेंगे कोई नूर के सिवा जाऊँगा चल कोई नूरिया माशाल्लाह अभी हमारे 15-20 दिन पहले भाई भी जाके आए माशाल्लाह मतलब जैसा इनका कोई नूर नाम है वैसा काम भी है उससे बढ़िया काम है माशाल्लाह मतलब जिम्मेदारी से बोल रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है हमारा नाम सईदा बेगम है कैसा रहा सफर उम्रे का आपका अच्छा है माशाल्लाह बहुत अच्छा इनकी तरफ से जो वादे हुए थे पूरे हुए पूरे हो गए पूरे माँ के मतलब सारी सतरे की सहूलतें थी अच्छा ज्यारत है कैसी मक्का मदीने की बहुत अच्छी अच्छे से हुआ बहुत अच्छे से इनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं कोई परेशानी नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुई अच्छा दुआ में याद रखेंगे पूरे औरंगाबाद वालों का रखे ना आमीन सबको रखे शुक्रिया देवी बोलिए कि अगला टूर कब है उसकी तरह तफसीलात बताइए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल 10 तारीख को 11 तारीख को शुरू हो गया और इंशाल्लाह अपना 26 जनवरी को है जी जिसमें जो 20 दिन का है उसके बाद 9 से 10 फरवरी में रहेगा इंशाल्लाह और 20 दिन का भी रहेगा और 28 दिन का भी रहेगा सर रमजान में लोग जाना पसंद करते हैं भी हमारे बुकिंग चालू है रमजान में हमारे 3 ग्रुप है एक 45 दिन का है एक 35 दिन का है और एक जो है तो 30 दिन का है जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद में जो है तो हमारे 45 दिन का है और तीसरा जो ग्रुप है वो 30 दिन का है तो सर अभी बोलिए कि रमजान का स्पेशल का पैकेज है कम ज़्यादा का बजट ये है कि भाई 45 दिन का कोई औरंगाबाद में कर रहा नहीं जी यही एक स्पेशल पैकेज है और उसका कॉस्ट भी जो है तो बहुत कम है जी जो है तो अखराजत है बहुत कम है उसका ठीक सर अभी बताइए कि मार्च को जाएंगे और इंशाल्लाह 28 अप्रैल को रिटर्न आएंगे सर मेरे काफ़ी इमाम साहब से मौजन साहब से मुलाकात हुई उन्होंने कहा है कि टूर वाले से बोलिएगा हमारे लिए थोड़ी सहूलत पैदा कीजिएगा कुछ पैगाम है उनके लिए कुछ इंशाल्लाह करेंगे उनको ऑफिस पर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह करेंगे मौजन इमाम के लिए सहूलत से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टिकट वीज़ा के पैसे लेंगे थैंक यू